आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। ख़ास बात के इस एपिसोड में हम बात करेंगे केरला में पेश आए एक प्लेन क्रैश के वाक़े की। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस की वजह से कैसे हेल्थ इंश्योरेंस की मांग में इजाफा हुआ। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं प्लेन क्रैश की खबर पर। केरला के कोझिकोड एयरपोर्ट पर जुमे की शाम एक बड़ा हादसा हो गया। दुबई से आ रहा एयर इंडिया का एक जहाज़ लैंडिंग के दौरान फिसल गया। इस फ्लाइट में 190 मुसाफिर सवार थे। कुछ खबरों में ये 194 तादाद बताई गई है। इनमें 128 मर्द, 46 खवातीन, 10 बच्चे और 7 क्रू मेंबर थे। इस बीच मरकजी वजीर वी मुरलीधरन के मुताबिक फ्लाइट के दोनों पायलट्स इस हादसे में मारे गए हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट IX1344 दुबई से केरल आ रही थी। इस हादसे की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो डराने वाली हैं, क्योंकि इनमें जहाज़ का अगला हिस्सा बुरी तरह तबाह हो गया है। जहाज़ दो टुकड़ों में बटा नज़र आ रहा है। अभी कुछ लोगों को अस्पताल ले जाने की खबरें आई हैं। माना जा रहा है कि भारी बारिश के चलते ये जहाज़ फिसला होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक शाम 7:38 पर ये फ्लाइट एयरपोर्ट पर लैंड कर रही थी और इस दौरान भारी बारिश हो रही थी। टच डाउन करते ही फ्लाइट रनवे पर फिसल गया और 30 फीट गहरी खाई में जा गिरा। बताया जा रहा है कि 40 लोग इस हादसे में जख्मी हुए हैं। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना वायरस इन्फेक्शन की अब तक 1,93,58,362 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 1,24,36,521 मरीज ठीक हो चुके हैं। 7,19,562 की मौत हो चुकी है। यह आंकड़े worldometers.info के मुताबिक हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने इसी बीच एक बयान दिया है। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस गैब्रियोसिस ने कहा है कि कोरोना वबा को बटी हुई दुनिया में नहीं हराया जा सकता। उन्होंने उम्मीद जताई कि अमेरिका WHO का फिर हिस्सा बनेगा। उन्होंने कहा कि अभी साथ में काम करने का वक्त है, हमें वायरस पर फोकस करना है। WHO ने कहा कि कोरोना वायरस अब नौजवान आबादी की तरफ बढ़ रहा है। बच्चे, नौजवान और जवान तेज़ी से मुतासिर हो रहे हैं। वबा की शुरुआत में हेल्थ एक्सपर्ट्स ने बताया था कि इस वायरस का ज़्यादा उम्र के लोगों पर ज़्यादा खतरा है। WHO के मुताबिक अब ज़्यादातर केसेस 25 से 64 साल की उम्र के बीच के लोगों के आ रहे हैं। इसी बीच रशिया ने भी कहा है कि दुनिया की पहली वैक्सीन 10 अगस्त तक मार्केट में आ सकती है। इसका ट्रायल पूरा हो चुका है, इसे गामोलिया इंस्टीट्यूट ने बनाया है। रशिया में दो और कंपनियों ने अपनी वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल की इजाज़त मांगी है। यहाँ इन्फेक्शन से अब तक 8,77,000 से ज़्यादा लोग मुतासिर हो चुके हैं। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 62,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट होने से मुतासरीन की तादाद 20,27,000 को पार कर चुकी है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सरगर्म केसेस यानी एक्टिव केसेस की तादाद 6,00,000 से तजावज़ कर गई। इस दरमियान 49,769 अफराद शिफायाब होने से जानलेवा वायरस से सेहतमंद होने वालों की तादाद 13,78,106 हो गई है। जुमे के रोज़ वजारत सेहत की जानिब से जारी ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के मुताबिक एक ही दिन में पहली बार कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 886 बढ़कर 20,27,075 हो गई है। और माफ़ कीजिएगा, आज जो तादाद हुई है वो 20,27,075 हो गई है और 886 अफराद की हलाकत के साथ ही अमवात की तादाद 41,585 हो गई है। वजारत के मुताबिक शिफायाबी की शरह फ़ीसद यानी जो रिकवरी रेट है वो 67.98% है और अमवात की शरह यानी मॉर्टेलिटी डेथ रेट 2.05% तक पहुंच गई है। महलुकिन की तादाद इसी बीच जो अलग अलग यहाँ पे आंकड़े आ रहे हैं उन आंकड़ों के हिसाब से सबसे ज़्यादा मुतासिर जो रियासत है वो है महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में आज भी सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं।
तेलंगाना में जुमेरात के रोज कोरोना वायरस के 2,207 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 12 अफराद की मौत वाकई हो गई। सिलसिला जिले में एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। इससे रियासत में कोरोना वायरस के मुतासर मरीजों की कुल तादाद 75,275 हो गई है। इसी तरह हलाकतों की तादाद 601 हो गई है। जीएचएमसी के हदूद में 532 केसेस दर्ज हुए हैं। हिंदुस्तान में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन तैयार करने वाले सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से एक खबर आई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और वैक्सीन अलायंस एजेंसी के साथ एक करार किया है। इस करार के तहत हिंदुस्तान और करीब निम्न यानी कम आमदनी वाले 92 मुल्कों को सिर्फ $3 यानी 225 रुपये में वैक्सीन मिल सकेगी। गेट्स फाउंडेशन वैक्सीन के लिए गावी को फंड मुहैया कराएगा, जिसका इस्तेमाल सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन तैयार करने और उसे फैलाने के लिए करेगा। वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल पूरे होते ही इसका मार्केट में फैलना मुमकिन है। इसके लिए काफ़ी तैयारियां की जा रही हैं। सीरम इंस्टीट्यूट के CEO आधार पूनावाला के मुताबिक वैक्सीन इस साल के खत्म तक मुहैया कराई जा सकती है। कोरोना वायरस के गढ़ वुहान से चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। यहाँ कोरोना से रिकवर होने वाले 100 में से 90 लोगों के फेफड़ों में खराबी देखी जा रही है। सरकारी चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक वुहान के एक बड़े हॉस्पिटल में कोरोना से उभरने वाले मरीजों के एक ग्रुप की जाँच की गई। जाँच में 90 मरीजों में फेफड़े खराब होने की बात सामने आई है। इसका मतलब ये है कि उनके फेफड़ों से ऑक्सीजन का फ्लो अब सेहतमंद लोगों के मुकाबले काफ़ी कम है और सेहतमंद लोगों की तरह वो सांस नहीं ले पा रहे हैं। वहीं 5% मरीजों में दोबारा इन्फेक्शन मिलने पर उन्हें क्वारंटाइन किया गया है। ऐसे मरीजों की औसत उम्र 59 साल है। वुहान में रिकवर होने वाले मरीजों की हालत जानने के लिए लगातार चेकअप किए जा रहे हैं। जुलाई में इस मुहिम का पहला मरहला मुकम्मल हुआ। इसी सिलसिले में वुहान यूनिवर्सिटी के झोंगान हॉस्पिटल में ICU यूनिट के डायरेक्टर पिंग जियोंग ने अपनी टीम के साथ ऐसे मरीजों की जांच की है। जांच में चौंकाने वाली बात सामने आई है। एक साल चलने वाले इस प्रोग्राम के पहले मरहले का जुलाई के महीने में इख्तिताम हुआ था। इस स्टडी में जो मरीजों को शामिल किया गया था उनकी औसतन उम्र 59 साल थी। 6 मिनट में जब अलग अलग टेस्ट किए गए तो उसमें 6 मिनट में ये मरीज सिर्फ 40 कदम ही चल पाए और जो मरीज़ रिकवर हुए हैं उनके फेफड़ों की हालत समझने के लिए उन्हें 6 मिनट तक चलने के लिए कहा गया। इस दौरान सामने आया कि वो 6 मिनट में सिर्फ 400 मीटर की दूरी तय कर पाए, जबकि एक सेहतमंद इंसान इतने ही वक्त में 500 मीटर की दूरी चल सकता है। 10% मरीजों में बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ मेडिसिन के डोंगजेमिन हॉस्पिटल के डॉक्टर लियांग टेंगशियो का कहना है कि हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद अगले 3 महीने में कुछ मरीजों को ऑक्सीजन मशीन की ज़रूरत पड़ती है। लियांग और उनकी टीम 65 साल से ज़्यादा की उम्र के मरीजों के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। अब तक जो नतीजे सामने आए हैं उसके मुताबिक 100 में से 10 मरीजों में अब तक एंटीबॉडीज नहीं बनी हैं। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना से रिकवर होने वाले मरीज डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। ऐसे ज़्यादातर मरीजों का कहना है कि फैमिली मेंबर्स अब उनके साथ एक मेज पर बैठकर खाना नहीं खाना चाहते। रिकवर हुए आधे से ज़्यादा मरीज अब तक काम पर नहीं लौट पाए हैं। चीन में एक और वायरस का इन्फेक्शन फैल रहा है। इसका नाम SFTS वायरस है। ये बुनिया वायरस के नाम से भी जाना जाता है। ये मकड़ी जैसा दिखने वाले एक जो कीड़ा होता है, मकड़ी जैसे दिखने वाला कीड़ा होता है, टिक के काटने से फैलता है। चीन में अब तक 60 लोग इस वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। यानी ये इस कीड़े के काटने के बाद ही ये वायरस फैलता है और अब तक 7 लोगों की इससे मौत हो चुकी है। चीन की मीडिया के मुताबिक पिछले 6 महीने में नॉर्थ चाइना के जियांगसू सूबे के 37 लोग SFTS वायरस से मुतासिर हुए हैं। इसके बाद नॉर्थ चाइना के अनहुई सूबे में 23 लोग मुतासिर पाए गए। जिंगानसू की दारुल हुकूमत नॉनजिंग में एक खातून इस वायरस से मुतासिर हुई। उसमें बुखार और खांसी जैसे अलामत देखी गई। उसके जिस्म में ल्यूकोसाइट और ब्लड प्लेटलेट्स में कमी भी देखी गई। 1 महीने तक चले इलाज के बाद उसे हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई।
जोजियांग यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर शेंग जिफांग का कहना है कि इस वायरस का इन्फेक्शन एक से दूसरे इंसान में फैल सकता है। मुतासरा मरीज के ब्लड और पसीने से एसएफटीएस वायरस फैलने का शक है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी हालात काबू में है। चीनी मीडिया के मुताबिक एसएफटीएस वायरस नया नहीं है, 2011 में साइंटिस्ट ने इस वायरस को अलग किया था। एसएफटीएस यानी बुनिया वायरस की कैटेगरी का है। कोरोना वायरस के खौफ की वजह से इन दिनों कोविड इंश्योरेंस पॉलिसी की मांग में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। इंश्योरेंस पॉलिसियां बनाने वाले एजेंट्स का कहना है कि आमतौर पर इस सीज़न में 3-4 लाख का बिजनेस होता था, लेकिन अब कोरोना के खौफ की वजह से उनका कारोबार 20-25 लाख रुपए तक पहुंच गया है। कोरोना के इलाज के महंगे बिल्स को देखते हुए लोग तनाव की कैफियत में हैं और वो ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसीज चाहते हैं जिसके ज़रिए उनके कोरोना से मुतासिर होने पर इलाज की सहूलत दस्तियाब हो सके। इंश्योरेंस पॉलिसी लेने वालों में ऐसे अफराद बहुत ज़्यादा हैं जिन्होंने साबिक में कभी इंश्योरेंस पॉलिसी लेने में दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। उनके अलावा बाज़ अफराद पुरानी पॉलिसी का क्लेम अमाउंट बढ़ाते हुए नई पॉलिसी में शामिल हो रहे हैं। शहर के मलकाजगिरी इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले 46 साल दयाकर का कहना है कि उन्होंने 6-7 माह कबल जब इंश्योरेंस पॉलिसी बनाई थी तो उस वक्त वो ये सोच रहे थे कि क्या उन्हें इस पॉलिसी की ज़रूरत पेश आएगी, लेकिन जब वो कोरोना से मुतासिर हुए तो उनके लिए ये पॉलिसी सूदमंद साबित हुई। उनके मुताबिक वो कोविड से मुतासिर होने के बाद एक खानगी हॉस्पिटल से रुजू हुए जहां उनका 5 दिन तक इलाज किया गया और बिल की रकम 7 लाख रुपए हुई। उन्होंने 15 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी और उन्हें फ़ायदा ये हुआ कि वो 1 लाख रुपये दवाखाने में अदा करके डिस्चार्ज हो सके। उन्होंने बताया कि उनकी हालत को देखने के बाद उनके दोस्तों ने भी इंश्योरेंस पॉलिसियाँ बना ली। अक्सर ये देखा जाता है कि इनकम टैक्स से बचने के लिए कई लोग इंश्योरेंस पॉलिसियां बनाते हैं। बाज़ लोग एक्सीडेंट रिस्क पॉलिसी बनाया करते थे, लेकिन अब खास तौर पर नौजवान नस्ल हेल्थ पॉलिसी का इंतखाब कर रही है। 40-45 साल के दरमियानी उम्र के अफराद भी पॉलिसी बनाने पर गौर कर रहे हैं। 50-60 साल दरमियानी उम्र के बहुत ज़्यादा अफराद हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से मुतालिक मालूमात हासिल कर रहे हैं। मालूम हुआ है कि कोरोना की वजह से 5-15 लाख और 25 लाख के पैकेज से मुतालिक बहुत ज़्यादा जानकारियां की जा रही हैं, क्योंकि इस वायरस के इलाज के लिए लाखों रुपए दरकार है। हालांकि आम पॉलिसियों में हॉस्पिटलाइजेशन बिल्स का कवर किए जाते हैं, लेकिन अब ज़्यादातर लोग कोरोना स्पेसिफिक पॉलिसी लेने में दिलचस्पी ले रहे हैं। कॉर्पोरेट इदारे भी अपने मुलाजमीन के लिए ग्रुप कोरोना पॉलिसी का मुतालबा कर रहे हैं। सरकारी शोबे की कंपनी न्यू इंडिया इंश्योरेंस के मुताबिक 10-30 जुलाई के दरमियान 60,000 पॉलिसियां लोगों ने बनाई हैं, जिसमें इंडिविजुअल और फैमिली पॉलिसी शामिल हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि कोरोना की पॉलिसी का किस कदर डिमांड बढ़ गया है। यंग जनरेशन की जानिब से ज़्यादातर कोरोना काउच पॉलिसी में दिलचस्पी दिखाई जा रही है। कोरोना से मुतासिर होने वालों को जहां रुबे सेहत होने की फिक्र सता रही है, वहीं दूसरी जानिब सेहतमंद अफराद को ये खतरा लाहक है कि कहीं वो इस मोजी वायरस की जद में ना आ जाएं। इसलिए एहतियात इलाज से बेहतर है कि पॉलिसी पर अमल करते हुए एहतियाती तौर पर इलाज के अखराजात के लिए इंश्योरेंस पॉलिसियाँ बनाई जा रही हैं। हालात को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आवाम हुकूमत की लापरवाही को समझ चुकी है और उन्हें इस बात का यकीन हो गया है कि अपनी मदद आप करो के मुज़दाक अपनी सेहत और इलाज के खर्च की फिक्र उन्हें ही करनी है। शायद यही वजह हो सकती है कि लोग ऐसी इंश्योरेंस कंपनियों और पॉलिसियों की तलाश में हैं जो उनके बुरे वक्त यानी कि कोरोना से मुतासिर होने पर उनके इलाज का खर्च बर्दाश्त कर सकें। अब ये दूसरी बात है कि क्या तमाम कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को कबूल करते हैं या नहीं, क्योंकि हालिया तजुर्बात की रोशनी में ये कहा जा सकता है कि बीमार की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो और उसे वेंटिलेटर वाला बेड चाहिए तो इसके लिए मोटी रकम और तगड़ी सिफारिश ज़रूरी है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और मोदी हुकूमत की कोई भी पॉलिसी काम करती हुई नज़र नहीं आ रही है। अपोजिशन पार्टी लीडरान पीएम मोदी पर बार बार ये इल्ज़ाम भी आयद करते रहे हैं कि वो आवाम को राम भरोसे छोड़ चुके हैं। आज कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इस ताल्लुक से एक बार फिर मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने हिंदुस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 20 लाख से तजावुज़ करने के बाद एक ट्वीट किया जिसमें लिखा है 20 लाख का आंकड़ा पार, गायब है मोदी सरकार। दरअसल राहुल गांधी ने 17 जुलाई को एक ट्वीट करके पेशनगोई की थी कि अगर कोरोना की मौजूदा रफ्तार जारी रही तो
तो 10 अगस्त तक 20 लाख से ज्यादा केसेस हो जाएंगे। आज ये पेशन गोई सच साबित हुई और 7 अगस्त को ही हिंदुस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 20,27,000 हो गई। काबिल जिक्र ये भी है कि इससे कबल 14 जुलाई को किए गए एक ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा था कि इस हफ्ते कोरोना मरीजों की तादाद 10 लाख का नंबर पार कर जाएगी और फिर 17 जुलाई को ये नंबर पार कर गया था। वाज़ेह रहे कि राहुल गांधी लगातार कोरोना से मुतालिक मोदी हुकूमत को नेक मशवरे देते रहे हैं और कहते हैं कि इस वबा को रोकने के लिए हुकूमत ठोस और मुनज़्ज़म इकदाम करेगी, लेकिन मरकजी हुकूमत की जानिब से ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। यही वजह है कि कोरोना केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आज एक दिन में रिकॉर्ड 62,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। शहर के तालाबों और मूसा नदी में गंदगी का अंबार, बैक्टीरिया और मच्छरों की अफजाइश, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तफसीलात में इस बात का इंकशाफ हुआ है। शहर में मौजूदा तालाबों और मूसा नदी के पानी की गंदगी में इजाफा होता जा रहा है और अब तालाबों के पानी की हालत बदतरीन हो चुकी है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जानिब से जारी करदा तफसीलात में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि शहर में मौजूद तालाबों और मूसा नदी के पानी की गंदगी में एक बरस के दौरान इजाफा हुआ है और ये ज़खायर मच्छरों के अलावा दीगर बैक्टीरिया की अफजाइश के मकामात में तब्दील हो चुके हैं। मजलिस बल्दिया अजीम तर हैदराबाद के हदूद में मौजूद तालाबों की सफाई और उनमें मौजूद गंदगी को दूर करने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तालाबों और नदी में सनअती फजला और शहर के रिहायशी इलाकों से पहुँचने वाली गंदगी के सबब उनकी सफाई नहीं हो पा रही है। अहदेदारों ने बताया कि तालाबों और मूसा नदी में 1400 मिलियन लीटर पानी की सफाई के इकदाम किए गए हैं, लेकिन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए 50% ही पानी में मौजूद गंदगी को दूर करने के इकदाम मुमकिन हो पा रहे हैं। शहर हैदराबाद के हदूद के अलावा नवाही इलाकों में मौजूद तालाबों की सफाई और उनके पानी को बेहतर बनाने के मंसूबों का ऐलान किया गया है, लेकिन उन मंसूबों पर अमल आवरी के बावजूद शहर के तालाबों की गंदगी के मसाइल का खात्मा नहीं हो पा रहा है। मूसा नदी में मौजूद पानी के बहाव को बेहतर बनाने और उसे साफ करने के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से मुतअद्दिद इक़दामात के साथ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तामीर किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद मूसा नदी मच्छरों की अफजाइश के मरकज में तब्दील हो चुकी है और दोनों शहरों के दरमियान मौजूद इस नदी से उठने वाली बदबू और ताफुन में भी इजाफा हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बानी अरबपति अमरीकी शख्सियत बिल गेट्स ने पेशगोई की है कि हमें एक माहौलियाती बहरान का सामना करना होगा जिसके असरात कोरोना वायरस से ज़्यादा बुरे होंगे। इससे कबल अमेरिका में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शस डिजीजेस के सरबरा एंथनी वाउचे ने खबरदार किया था कि लामहाला आइंदा दिनों में वबाएँ और बीमारियाँ सामने आएंगी। अंग्रेज़ी अखबार पॉलिटिको को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कोरोना के अलावा दीगर आने वाले वायरसेस के और वबाओं के हवाले से अपनी तशवीश का इजहार किया। बिल गेट्स ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि कोरोना की वबा जितनी भी दहशतनाक हो, माहौलियात की तब्दीली उससे ज़्यादा बुरी हो सकती है। बिल गेट्स ने तवक्को जाहिर की है कि दुनिया को करीबी दहाइयों के दौरान माहौलियात की तब्दीली के हवाले से सबसे बड़े बहरान का सामना होगा। उन्होंने वाज़े किया कि कोरोना वायरस के सबब अमवात का तनासुब हर 1 लाख की आबादी में 14 अफराद की वफात तक पहुंच गया, जबकि आइंदा 40 वर्षों में ज़मीन पर दर्जे हरारत बढ़ने के सबब अमवात का तनासुब साल 2100 से कबल 5 गुना बढ़ जाएगा। बिल गेट्स ने जोर दिया कि माहौलियात की तब्दीली का मुकाबला किया जाए। उन्होंने वाज़े किया कि सिलसिले में गैसों के अखराज को कम करने की ज़रूरत है जो आलमी दर्जे हरारत में इजाफे का सबब है। इसके अलावा अखराज की सतह को कंट्रोल करने के लिए साइंसी ईजादात का इस्तेमाल किया जाए। माइक्रोसॉफ्ट के बानी के मुताबिक माहौलियाती तब्दीली की रोकथाम के इकदाम तरक्की पजीर ममालिक में भी किए जाने चाहिए। बिल गेट्स ने वाजे किया कि इंसानियत के पास ज़्यादा वक्त नहीं है और इस हवाले से हंगामी इकदाम किए जाएँ। वाज़ेह रहे कि रवान साल मई में एक साइंसी तहकीकी मुताले में सामने आया था। इसके नतायज में बताया गया था कि 2070 तक 3 अरब इंसान गालिबन ऐसे दर्जे हरारत वाले इलाकों में रह रहे होंगे जिनको ज़िंदगी के लिए गैर मौजूं करार दिया जा सकता है। उन माहौलियाती हालात के बारे में कहा जा रहा है कि इस माहौलियाती दायरेकार से बाहर हैं जिनमें इंसान ने गुज़िश्ता 6,000 साल के दौरान ज़िंदगी गुजारी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे के रोज़ कहा कि 3 से 4 साल के गौर व खौस और लाखों मशवरों और
तजावीज़ के बाद नई तालीमी पॉलिसी को अमली शक्ल दी गई है और एक नए हिंदुस्तान की बुनियाद रखने में काम करेगी। मोदी ने नई कौमी तालीमी पॉलिसी के तहत हायर एजुकेशन में होने वाली तब्दीलियों पर कौमी कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए कहा कि आज हर नज़रिए के लोग इस नई तालीमी पॉलिसी पर मंथन और गौर व खोज कर रहे हैं। इस पॉलिसी की कोई मुखालिफत नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें यकतरफा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक सर्कुलर नहीं है बल्कि एक महायज्ञ है जो एक नए मुल्क की बुनियाद रखेगा और एक सदी तामीर करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तालीमी पॉलिसी में मुल्क के अहदाफ को ध्यान में रखना ज़रूरी है ताकि मुस्तकबिल के लिए नस्ल को तैयार किया जा सके। कई दहाइयों से तालीमी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं हुई थी जिससे समाज में भीड़ चाल की हौसला अफजाई हो रही थी। कभी डॉक्टर, कभी इंजीनियर और कभी वकील बनाने की मुकाबला आरई हो रही थी, लेकिन नौजवान अब तख्लीकी नज़रियात पर अमल पैरा हो सकेंगे। अब न सिर्फ मुतालिया ही नहीं बल्कि वर्क कल्चर को फ़रोग दिया गया है। नौजवानों में तनखीदी सोच तैयार करनी होगी। साथियों, देश के पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे, द पर्पज ऑफ एजुकेशन इज टू मेक गुड ह्यूमन बींग्स विद स्किल एंड एक्सपर्टाइज, एनलाइटन ह्यूमन बींग्स कैन बी क्रिएटेड बाई टीचर्स। वाकई शिक्षा व्यवस्था में बदलाव देश को अच्छे स्टूडेंट्स, अच्छे प्रोफेशनल्स और उत्तम नागरिक देने का बहुत बड़ा माध्यम आप सभी हैं, आप सभी टीचर्स ही हैं, प्रोफेसर्स ही हैं। शिक्षा जगत से जुड़े आप ही लोग इस काम को करते हैं और कर सकते हैं। इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में डिग्निटी ऑफ टीचर्स का भी ध्यान रखा गया। एक प्रयास ये भी है कि भारत का जो टैलेंट है वो भारत में ही रहकर आने वाली पीढ़ियों का विकास करे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में टीचर ट्रेनिंग पर बहुत जोर है, वो अपनी स्किल्स लगातार अपडेट करते रहें, इस पर बहुत जोर है। I believe when a teacher learns, a nation leads. साथियों, देश के पूर्व राष्ट्रपति केरला में एडगी जिले के राजमाला में जुमे को शदीद बारिश होने के सबब तोदा खिसकने से कम 10 अफराद की मौत हो गई और दीगर 85 अफराद लापता हो गए। इस दौरान 16 अफराद को बचा लिया गया है। ज़राए ने बताया कि जुमेरात की रात से इलाके में शदीद बारिश हो रही है जिसके सबब मुनार में राजमाला के पिटमुडी में अली सुबह तकरीबन 4 बजे तोदा खिसकने का ये वाक़या हुआ। जाए वक़ूअ से 10 लाशें बरामद की गई हैं जबकि 16 अफराद को बचा लिया गया जिनमें से 4 अफराद की हालत संगीन है। बचाए गए लोगों को यहाँ से कन्नन देवन हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया है। इस इलाके से दीगर इलाकों का रابطہ कम होने के सबब वाकये के बारे में कई घंटों बाद सुबह में पता चला। नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम यानी NDRF की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और राहत रसानी का काम शुरू कर दिया गया है। एक न्यूज़ एजेंसी ने बात जब की तो पता चला कि राहत और बचाव मुहिम के तहत आवाम को तैयारी के ज़रिए निकालने की कोशिशें भी मौसम ख़राब होने के सबब फ़िलहाल कामयाब नहीं हो पा रही हैं। पड़ोसी ज़िले के हॉस्पिटल से कहा गया है कि वो किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहें। शुरुआती घंटों में पुलिस या महकमे महसूलात के अफसर जाए वक़ूअ तक नहीं पहुंच पाए थे क्योंकि गुज़िश्ता रात को इलाके को जोड़ने वाला पेरियावरम पुल सैलाब से तबाह हो गया था। मुन्नार से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर ये तोदा खिसका लेकिन इलाके के ख़राब बुनियादी ढांचे के सबब बचाव मुहिम में ताखिर हुई। इस इलाके के एरवाकुलम नेशनल पार्क का हिस्सा होने के सबब तरक्याती काम काफ़ी कम हुए हैं। तोदा खिसकने से बड़ी तादाद में लोगों के दबने का अंदेशा है जिनमें से ज़्यादातर कन्नन देव गुनबाग के मजदूर हैं जो वहां 20 घरों में रहते हैं।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने केरला में तोड़ा गिरने से 13 अफराद की मौत पर शदीद रंजोगम का इजहार किया और हलाक होने वालों के अहले खाना को 2-2 लाख रुपए बतौर एक्सग्रेशा देने का ऐलान किया। मोदी ने अपने ट्वीट पैगाम में लिखा कि अडोकी में तोड़ा गिरने के सबब लोगों की मौत से दुखी हूँ, गम की इस घड़ी में मुतासरा खानदान के साथ मेरी ताज़ियत है, ज़ख्मियों की जल्द शिफायाबी की दुआ करता हूँ। NDRF और इंतज़ामिया मुतासरा अफराद की मदद में मसरूफ़ हैं। मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज को जुमे के रोज़ सोना वायदे ने एक बार फिर ऑल टाइम हाई का नया रिकॉर्ड बनाया। सुबह सोना 55,506 रुपये फी 10 ग्राम पर खुला, थोड़ी ही देर में ये 685 रुपये की बढ़त के साथ 56,191 रुपये फी तोले पर पहुंच गया। ये सोने का नया ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड है। हालांकि ये तेज़ी ज़्यादा देर नहीं रह सकी और टूटकर फिर 56,000 के लेवल के से नीचे आ गई। सुबह करीब 10 बजे ये 55 रुपये की गिरावट के साथ 55,750 रुपये फी 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। जुमेरात के रोज़ सोना 55,845 रुपये फी 10 ग्राम पर बंद हुआ था। ये अक्टूबर की डिलीवरी का भाव है। ग्लोबल लेवल पर सबसे महफूज सरमायाकारी में जो लोग दिलचस्पी रखते हैं उनकी वजह से चांदी वायदा की कीमतें भी लगातार उछाल दर्ज कर रही हैं। MCX में जुमे के रोज़ चांदी ने 75,073 रुपये फ़ी किलो पर कारोबार शुरू किया। थोड़ी ही देर में ये 2,886 रुपये की बढ़त के साथ 77,949 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गया। इस बढ़त के साथ चांदी 78,000 रुपये फ़ी किलो के करीब पहुंच गई। ये इसका नया ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड है। जुमे के रोज़ चांदी 76,052 रुपये फ़ी किलो पर बंद हुई थी। ये सितंबर की डिलीवरी का भाव है। MCX में पिछले 5 सेशंस में सोना चांदी की कीमतों में ज़बरदस्त तेज़ी आ रही है। 31 जुलाई को सोना 53,445 रुपये फ़ी 10 ग्राम और चांदी 64,984 रुपये फ़ी किलो पर बंद हुए थे। इसके बाद के 5 सेशंस में अब तक सोना 2,746 रुपये फ़ी 10 ग्राम और चांदी 12,965 रुपये फ़ी किलोग्राम तक महंगी हो चुकी है। 2021 T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी अब हिंदुस्तान के पास ही रहेगी, जबकि इस साल कोरोना की वजह से टला टूर्नामेंट 2022 में ऑस्ट्रेलिया में ही होगा। ये फैसला इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC की बोर्ड मीटिंग में जुमे के रोज़ लिया गया। इस वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया की मेज़बानी में 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होना था। साथ ही ICC ने वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2021 को एक साल के लिए टाल दिया है। ये इवेंट न्यूजीलैंड की मेज़बानी में होगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया CA ने इस साल के T20 वर्ल्ड कप के लिए काफ़ी हद तक तैयारी कर ली थी, इसलिए वो 2021 में T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी चाह रहा था। CA के हेड अल एंड्रिस ICC को पहले भी लिख चुके थे कि CA T20 वर्ल्ड कप को 2022 तक के लिए नहीं टालना चाहता है, वो इस टूर्नामेंट को 2021 के आखिर में कराना चाहता है। हालांकि अगले साल के टूर्नामेंट की मेज़बानी पहले से ही हिंदुस्तान को मिल चुकी है, जो अब भी बरकरार है। हिंदुस्तान में 2023 में वनडे वर्ल्ड कप भी होना है। ऐसे में अगर हिंदुस्तान 2021 के T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी छोड़ देता तो उसे लगातार 2 साल T20 और वनडे वर्ल्ड कप कराने होते, जो किसी भी सूरत में मुमकिन नज़र नहीं आते। इसी बीच एक ये खबर आई है कि जो केरला में जो क्रैश हुआ था एयर इंडिया के प्लेन का, उस क्रैश में अब तक 14 लोगों के मरने की तस्दीक हो चुकी है। 135 अफराद घायल हैं, ज़ख्मी हैं और इसके जो इस प्लेन के जो दो पायलट्स थे, ये दोनों पायलट्स की मौत हो चुकी है। एक बार हम आपको फिर से वो तस्वीरें दिखाते हैं जो कोझिकोड एयरपोर्ट से ट्विटर पर शेयर हुई हैं। नाज़रीन, आज की ख़ास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आनंद चैनल।